गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं क्या हैं। ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं एक तरह से कन्वेंशंस कहलाती हैं। ऑग और जिंक के अनुसार कि जो परंपराएं हैं वो कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। ये जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और जनरली ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। परंपराएं किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो अथवा राज्य हो, एक उसका स्वभाव और आदत होती है और उसी आदत को परंपरा कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इसका जो मूल स्रोत है वो संवैधानिक प्रथाएं हैं। दूसरी तरफ जो लिखित संविधान वाले देश हैं जैसे अमेरिका है, भारत है, इनमें भी कई सारी हम संवैधानिक प्रथाएं देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कई बार जो कुछ एक ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हम करते हैं हमारे संविधान में भी, तो वो हमें हम उससे कहीं भी दूर नहीं जा सकते हैं। जैसा कि विलियम होल्ड्सवर्थ ने कहा था कि जहां भी शासन शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अथवा संस्थाओं में होती है वहाँ इन परिपाटियों अथवा वैज्ञानिक परंपराओं का विकास प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व है और ब्रिटिश संविधान में ये परंपराएं जिन्हें कि हम एक नाम दिया गया है कन्वेंशंस या अभिसमय, उनका अपना एक महत्व है क्योंकि ब्रिटिश का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और परंपराएं ही संविधान की मूल शक्ति हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, परंतु ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। परंपराएं अलग अलग विचारकों ने परंपराओं की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में परंपराएं इतनी गहरा स्थान बना चुकी हैं अपना, डाइसी ने परंपराओं की परिभाषा लिखते हुए बताया था कि ये वह निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती हैं और ये राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। जेएस मिल ने इनको संविधान के अलिखित सूत्र बताया है, एनसन इनको संविधान की रूढ़ियां कहता है। फाइनर के अनुसार परिपाटियां राजनीतिक आचरण के ये नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परंपराओं के अंतर्गत ना होकर बल्कि इनसे पृथक उसके पूरक के रूप में अथवा उनके भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन की जो परंपराएं हैं वो कानून है या कानून और परंपराएं एक ही हैं, लेकिन इसमें यह है कि जेनिंग्स ने परंपराओं की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि के बाहर कुछ नियमों का एक ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता या विधि से दूर नहीं होता पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता है और जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन्हीं नियमों को आजकल सामान्य रूप से संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा गया है। तो क्या समझ में आया बच्चों कि संवैधानिक परंपराएं वो हैं कि ये कानून से ऊपर होती हैं, कानून के द्वारा, हालांकि कानूनी रूप से इनको मान्यता मतलब प्राप्त नहीं होती है परंतु इनका वही स्थान होता है जो कानून का होता है। तो
इस तरह से इन्हें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का नाम दिया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या परंपराएं कानून हैं? तो मैं यहाँ बताऊंगी आपको कि कानून और परंपराओं में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि संविधान के जो कानून होते हैं वो संविधान की परंपराओं में और में हम एक डिफ्रेंशिएट पूरी एक लाइन बीच में डिवाइडेशन की लाइन नहीं खींच सकते हैं क्योंकि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं। ब्रिटिश जो नागरिक हैं वो दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। हालांकि आम पब्लिक को इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाती है, परंतु जो राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं या अपन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। क्या अंतर है? देखिएगा, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं, विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं क्या होती है कि वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। एक कोई चीज होती है ना, जैसे अपन कहते हैं ना परंपरा चली आ रही है, तो वो है कि ये संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी बात आती है कि कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं जबकि परंपराएं कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। आ रही है बात समझ में? कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं अनिश्चित होती हैं। मतलब कानून का जैसे ये होता है कि कानून ये कानून है, इसमें इस अनुच्छेद में ये नियम बताया गया है इस पन्ने पर इस पेज पर, लेकिन परंपराएं क्या होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। इसी संदर्भ में जेनिंग्स ने दोनों का अंतर बताते हुए लिखा है कि परंपराएं किसी संविधान के अत्यंत मौलिक नियमों के समान हैं क्योंकि प्राय वे आम जनता की स्वीकृति पर निर्भर होती है। लिखित संविधान इसलिए कानून नहीं होता कि वह किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, वह इसलिए कानून होता है कि इसे स्वीकार कर लिया गया होता है। वास्तव में कानून और परंपराओं में ये जो डिफरेंस है वो सैद्धांतिक रूप से इम्पोर्टेंट हो सकता है, परंतु व्यावहारिक रूप से हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानून के समान ही होता है। जेनिंग्स ने कहा है कि क्या कानून है और क्या परंपराएं हैं, ये एक एक डेफिनेशनल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है, और इस बात का यहाँ पर ब्रिटेन में कोई महत्व नहीं है कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा इस बात की जानकारी है अथवा नहीं है। मतलब ब्रिटेन में परंपराओं का भी वही स्थान है जो कानून का है। ब्रिटेन संवैधानिक परंपराओं को पूरा सम्मान करता है। अब हम देखते हैं कि परंपराओं के प्रकार क्या है। परंपराएं नीति वाक्य हैं, मतलब एक कहते ना आइडियलिस्टिक वो है, मतलब एक तरह से नीति शास्त्र की जहां बात करते हैं उसी तरह से, ना कि विधियां हैं। डाइसी ने कहा था कि एक नए और दस्तावेजी संविधान में उनमें से कुछ संभवतः विधि का रूप ग्रहण करेगी और अन्य लुप्त हो जाएंगी। मतलब कि जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग चलता रहेगा वो तो चलती रहेंगी, और कुछ जो अगर उपयोगी नहीं होती हैं तो वो अपने आप में समाप्त हो जाएंगी। जैसे अब हम परंपराओं के प्रकार में हम यह चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं क्या हैं? सम्राट से संबंधित परंपराएं, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मतलब सम्राट के क्या काम है या सम्राट से संबंधित क्या परंपराएं हैं? पहली बात यह है कि ब्रिटिश सम्राट लोक जो लोअर चैम्बर है ब्रिटेन में, दो चैम्बर होते हैं संसद के, दो सदन होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए इनवाइट करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरा
इसमें जो कन्वेंशन है वो है सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा है, सम्राट को हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, परंतु पिछले तो बहुत अधिकतम वर्षों में यानी कि 300-400 वर्षों से किसी सम्राट ने विधेयक पर अपने कभी भी वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अतः अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आ जाता है कि सम्राट द्वारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। हालांकि सम्राट को लोअर चैम्बर को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल मात्र प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये मैंने आपको 3-4-5 पॉइंट बताए हैं कि सम्राट से संबंधित क्या क्या परंपराएं हैं। कि ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। दूसरी बात है, मंत्रिमंडल की बैठकों की सम्राट अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी बात है कि उसे वीटो का अधिकार प्राप्त था सैद्धांतिक रूप से, परंतु व्यावहारिक रूप से पिछले कई सालों मतलब कई शतकों से उन्होंने नहीं किया, तो अब यह परंपरा बन गई है कि वो वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रशासनिक कार्य में वो मंत्रियों के परामर्श से काम करेंगे, और अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर विरोधी दल के नेता को ही मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये थी हमारे सम्राट से संबंधित परंपराएं। आपको ये डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हो कि परंपराओं में ब्रिटिश संविधान के जो प्रकार हैं उसमें अपन ने बताया था सम्राट से संबंधित हैं, संसद से संबंधित हैं, मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। तो ये जो है ये अपन डायग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है संसद से संबंधित परंपराएं। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लॉर्ड सभा का अधिवेशन अपील के न्यायालय के रूप में होता था, तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहां स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। मतलब क्या कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना चाहिए। लोक सभा का अधिवेशन, जब कोई कानूनी मुद्दा फंसता है तो कानूनी लोर्डों को उसमें शामिल होना चाहिए। और स्पीकर जो होता है वो निर्दलीय होता है, वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता है, और उसको वो निर्विरोध अपने क्षेत्र से चुना जाता है। और वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत रेयर करता है, और वो तभी करता है कि जब सदन, वो ज्यादातर तो ये चाहता है कि सदन स्वयं निर्णय ले ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सदन निर्णय नहीं ले पाता, तभी स्पीकर अपने मत का प्रयोग करता है। तो आगे की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे की परंपराओं के प्रकार की। आप इतना पढ़ करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।